शाहरुख खान की फिल्म पठान पर मचा बवाल, थमने का नाम नहीं ले रहा है। हॉल ही में रिलीज हुई बेशरम रंगाने में दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की मनोकनी लुक पर हिंदू महासभा ने आपत्ति जताई है। वहीं फिल्म के सीन्स को एडिट करने की मांग की जा रही है। वहीं अविरोध सड़कों पर भी उतर आया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गाने में दीपिका पादुकोण ने जो कपड़े पहने हैं वो काफी आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि ये दूषित मानसिकता के साथ ये गाना फिल्माया गया है। उन्होंने कहा कि वैसे भी दीपिका टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य रह चुकी है, जो JNU भी पहुंची थी। हमारी मांग है कि फिल्म मेकर इन सीन्स को ठीक करे, अगर ऐसा नहीं होता तो MP में इस फिल्म को बैन कर दिया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमने जो भी सीन्स देखे हैं वे बेहद ही अभद्र और गंदे हैं। ये भारतीय संस्कृति में स्वीकार्य नहीं है। ये गाना साजिश के तहत बनाया गया है। इंदौर में पठान फिल्म के खिलाफ रोष देखने को भी मिल रहा है। फिल्म के विरोध में वीर शिवाजी ग्रुप ने दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के पुतले भी जला डाले हैं। दीपिका के आउटफिट पर बवाल मचने बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश में इस बात पर जमकर हंगामा हुआ है। इंदौर में एक्टिविस्ट सड़कों पर जाम लग गए हैं। विरोध प्रदर्शन करते हुए लोगों ने फिल्म पर बैन करने की मांग की है। वहीं वीर शिवाजी समूह ने कहा कि फिल्म के गाने बेशरम रंग से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। वैसे इस गाने को लेकर और क्या बवाल देखने को मिलने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दीपिका पादुकोण के लुक के बारे में आपकी क्या राय, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।